नमस्कार, मैं हूं चौधरी और आप देख रहे हैं HCN न्यूज। कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत चुकी है, लेकिन जीत के बाद भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अभी भी चुप नहीं हैं। उनके दिल में अभी भी विवादों के जो ढेर हैं वो चल रहे हैं, और इसके पीछे की जो वजह है वो साफ है। वजह साफ क्यों है, वजह हम आपको बता देते हैं। दरअसल राजस्थान में मुख्यमंत्री की पद की जो दावेदारी है उसको लेकर विवाद चल रहा है। सचिन पायलट कह रहे हैं कि उन्हें सीएम बनना है, और वहीं अशोक गहलोत कह रहे हैं कि उन्हें सीएम बनना है, और इस बीच काफी विवाद देखने को भी मिला है। इतना ही नहीं, राजस्थान से भी बाहर इस विवाद को देखने को मिला है कि दिल्ली में जो सचिन पायलट के समर्थक है उन्होंने एक खून से एक पत्र लिखा है और कहा है, राहुल गांधी से अपील की है कि राजस्थान की कमान सचिन पायलट को सौंपी जाए। लेकिन इस बीच हम आपको एक बड़ी खबर दे दें, सचिन पायलट की जगह इस दौर की राजनीति को देखते हुए राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को राजस्थान की कमान सौंपी है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है जिसमें राजस्थान की कमान सचिन पायलट की बजाय अशोक गहलोत को सौंपी गई है। इससे पहले भी अशोक गहलोत राजस्थान की कमान संभाल चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इन विवादों के बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो भी बेहद चिंताजनक नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में ज्योतिराव सिंधिया हैं वो अलग दावेदारी को लेकर सामने आ रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं वो भी काफी विवाद कर रहे हैं, तो वहीं कमलनाथ उनके जो समर्थक हैं वो भी काफी उत्सुक हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की कमान कमलनाथ के हाथ में सौंपी जाए। हालांकि छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई विवाद उतना तेजी से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में ये राजनीति देखने को मिली थी उसको लेकर राहुल गांधी खुद परेशान हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने एक मीटिंग बैठाई और उसके बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उनसे पूछा कि आखिर राजस्थान की जो कमान है वो किसे सौंपी जाए। राजस्थान की कमान सौंपने के लिए जो ज्यादा कार्यकर्ताओं ने जिस शख्स का नाम लिया वो निकले अशोक गहलोत, तो वहीं स्थिति मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री होगा ये भी आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल राजस्थान के सीएम पद की जो दावेदारी अब पूरी तरह से जिसको मिली है, पूरी जो कमान है वो अशोक गहलोत है। राजस्थान में सीएम पद को लेकर हुई इस भीषण राजनीति में आप किसे अपना मुख्यमंत्री चुनना बेहद पसंद करेंगे वो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही जो दर्शक HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।